बीजेपी आला कमान के रहमो करम पर अपनी कुर्सी बचाने वाले उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। सरकार चलाने के मामले में अनुभवहीन उद्धव ठाकरे कोरोना को नियंत्रण करने में फेल साबित हुए हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। राज्य में मुंबई सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। राज्य में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे और अब तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली सरकार अपने कोरोना योद्धाओं के प्रति भी उदासीन रवैया दिखाने लगी है। वायरस के विस्फोट से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में पुलिस कर्मियों के बीच भी कोरोना का व्यापक प्रसार देखने को मिला है। अब तक 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के एक पत्रकार ने प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के फ्रंट वर्करों के प्रति महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की उदासीनता को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। जर्नलिस्ट विजय चोरमोरे ने मुंबई पुलिस अधिकारी अमोल कुलकर्णी के साथ हुए गलत व्यवहार को उजागर करने के लिए फेसबुक का सहारा लिया। उन्होंने बताया कि अमोल कुलकर्णी धारावी के शाहू नगर में तैनात थे, जहां कोरोना के मामले धड़ल्ले से बढ़ते रहे। वो यहां पर कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तैनात किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वो भी इसकी चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन की सलाह दी गई। चोरमारे ने आरोप लगाया कि जब कुलकर्णी की हालत बिगड़ गई तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 108 पर कॉल किया, लेकिन कोई सरकारी एम्बुलेंस उन्हें लेने के लिए नहीं आई। इसके अलावा कुलकर्णी के सहयोगी और स्वयं पुलिस अधिकारी भी अपने दोस्त को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं कर पाए। लगभग आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद एक निजी एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल लेकर गई। हालांकि ये आधे घंटे की देरी भी पुलिस अधिकारी के लिए काफी घातक साबित हुई और फिर बाद में वही हुआ जिसका अंदेशा था। हॉस्पिटल में उस पुलिसकर्मी की मौत हो गई। चोरमारे ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि चूंकि कुलकर्णी कोरोना वायरस से संक्रमित थे, इसलिए उनके मृत घोषित करने के साथ ही तुरंत उनके शव को धोकर एक बैग में पैक कर दिया गया। हालांकि उनके डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह कोरोना वायरस बताने की जगह हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बताई गया। इस पूरे प्रकरण ने राज्य में प्रशासन की विफलता और कोरोना वायरस संकट से निपटने में अक्षमता की पोल खोल कर रख दी है। जब राज्य का प्रशासन कोरोना वायरस से संक्रमित फ्रंटलाइन वर्करों को उचित सुविधा नहीं दे सकती है, तो फिर इस बीमारी से संक्रमित हजारों नागरिकों को किस तरह की सुविधा मिलती होगी, ये तो कल्पना से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।